फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद समरीन। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा। तो चलिए मटन कोरमा बनाते हैं। मटन कोरमा बनाने के लिए मैंने 1.25 किलो मटन लिया है। अब उसमें मैं 200 ग्राम दही डाल दूंगी। मैरिनेशन के लिए हमें दही डालना है। सबसे पहले ये 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन की पेस्ट है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर आधी चम्मच और ये 1 चम्मच नमक। अब हमको सब मिक्स करके मैरिनेशन वैसे ही रेडी करके रखना है। मैं हाथ से मिक्स करूंगी ताकि, और ऐसा मैरिनेशन करने से मटन हमारा जल्दी गल जाता है। इसे आप 3-4 घंटे के लिए मैरिनेशन करके आप 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए या बाहर भी आप ढक्कन ढक के रख सकते हैं। मटन कोरमे के लिए दही की ज़रूरत होती है। ये हमारा मैरिनेशन अब रेडी है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी 3-4 घंटे के लिए। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। 3 बड़े चम्मच तेल है और उसमें मैं 1 बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था, उसे स्लाइस करके लिया है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ पका लेना है और साथ ही साथ उसमें नमक डाल देना है, 1/2 चम्मच नमक। अब मैं इसमें हमारे खड़े मसाले डालूंगी। खड़े मसाले में मैंने तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 इलायची हरी, 4-5 लौंग और 7-8 काली मिर्ची लिए। जब तक प्याज में गरम मसाले का फ्लेवर नहीं आता, उसकी खुशबू नहीं आती, तब तक मज़ा नहीं आता। ये हमारी प्याज हो गई है। इसे पूरी गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, सिर्फ पका लेना है। ये अब मैरिनेशन को भी 4 घंटे हो गए हैं मटन के मैरिनेशन के लिए। अब मैं उसी प्याज में हमारा मैरिनेशन डाल दूंगी। ये हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। अगर आप मैरिनेशन ओवरनाइट के लिए भी रखेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप फ्रिज में उसे रख सकते हैं। जितना मैरिनेशन उसका अच्छा होगा, इतना गोश्त जल्दी गल जाएगा। मैरिनेशन में मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट 2 चम्मच ही डाली थी और हम लोग तरह तीखा खाते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें डाल सकते हैं तीखा। मैंने यहाँ 2 चम्मच और हरा मसाला ऐड कर दी और लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने उसमें 1 ही चम्मच डाली थी। अब इसमें मैं 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना तीखा खा सकते हैं खाते आप उतना ले सकते हैं उसमें। ये हमारी ग्रेवी अच्छे से पक रही है और इसको तेल भी छूट गया है। अब इसे हमें अच्छे से 1 ग्लास पानी डालकर ढक्कन ढककर अच्छे से पकने देना है। आप चाहिए तो इसे कुकर में भी प्रेशर कुक कर सकते हैं तो जल्दी गल जाएगा। इसे ज़रा टाइम लगेगा लेकिन मैं ऐसा ही गलाऊंगी गोश्त को। मटन को 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं देखूंगी उसमें पानी भी नहीं कुछ सूखा है या नहीं। ये देखिए ग्रेवी ठीक हो गई है, मटन तो गला नहीं है। अब उसमें 1 ग्लास और हम पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें और 1 ग्लास पानी ऐड कर देती हूँ और मटन अच्छा गलने तक इसे पकाना है। देखिए तरी भी कितनी अच्छी आई है इसके ऊपर। मटन हमारा पक रहा है, तब तक हम उसमें ग्रेवी और ठीक करने के लिए और उसमें ये ऐड कर दूंगी। इसमें हमें ऐड करना है ये क्रिस्प किया हुआ, ये है हमारा प्याज है, ये मैंने फ्राई कर ली थी इसे। अब मैं इसे मिक्सर के छोटे जग में डाल दूंगी। इससे हमारी
ग्रेवी का और टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए मैंने उसमें ग्रेवी में प्याज पहले थोड़ा ही डाला था, क्योंकि हमें ऊपर से ये पिसा हुआ पेस्ट डालना है पाउडर। और इसी में अब हमारा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरा सूखा खोबरा है। सूखा खोबरा मैं हमेशा रोस्ट करके रखती हूँ, भूनकर इसको हमेशा कंटेनर में भर के पैक करके रखती हूँ, ताकि जल्दी से हमें कभी भी काम में आए। ये मैं अब रोस्टेड हमारा कोकोनट डाल दूंगी, ये 3 चम्मच मैंने ली हूँ, बस हमें इतना ही लेना है और इसे मिक्सर में पीस लेना है हमें। ये हमारा मटन अब गल गया है, ये देखिए ये बोटी हमारी एकदम गल गई है। अब मैं उसके अंदर हमने जो पेस्ट पीसे थे प्याज और खोपरे की, उसमें डाल रही हूँ। इसी में मैं और से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी ठीक हो जाए। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, ये देखिए कोरमा कितना ठीक हो गया है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें, आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने इसमें मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ, ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। अब मैं इसे डालकर 2 मिनट सिर्फ पकाऊंगी, ताकि हरे धनिया की खुशबू भी इसमें चली जाए और हमारा पेस्ट भी, कांदे का पेस्ट भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। यह हमारा मटन कोरमा रेडी हो गया है, मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब आप इसे बनाकर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।